आज भिवानी रोड रोहतक स्थित गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बाल सलाह परामर्श केंद्र का शुभारंभ हुआ। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के मानद महासचिव प्रवीण अत्री की उपस्थिति में इस केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस मुहिम के तहत उन स्कूली बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी जो मोबाइल इस्तेमाल से गलत राह की ओर अग्रसर हैं। रोहतक व हरियाणा राज्य के नोडल ऑफिसर के रूप में बाल कल्याण परिषद के मंडल अधिकारी अनिल मलिक की नियुक्ति की गई है। आज हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने रोहतक के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बाल सलाह परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया। ये बाल सलाह परामर्श केंद्र जो बच्चे हमारे गलत दिशा में जा रहे हैं उनको एक अच्छी दिशा देने का निर्देश देगा। हमने एक मुहिम स्टार्ट की है, परिषद का साथ दोस्ती का हाथ फ़ोन पे बात। इसके हमारे नोडल अधिकारी हैं अनिल मलिक जी, जो पूरे प्रदेश के 22 के 22 जिलों में जाके, हर स्कूल में जाके, हर गांव में जाकर ये बाल सलाह परामर्श केंद्र खोलेंगे और बच्चों को जागरूक करेंगे। सर, आज का जो प्रोग्राम आज ये पूरे पर मैंने बताया आपको, पूरे प्रदेश में इसको लागू करेंगे। प्रदेश में 122वां आज हमारा हो रहा है और रोहतक डिस्ट्रिक्ट में ये दूसरा हो रहा है, दसवां रोहतक डिस्ट्रिक्ट में ये दसवां है और प्रदेश में 122वां। सर, इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को जो गलत दिशा में गए जा रहे हैं, जो गुड टच और बैड टच के बारे में बताना, जो बच्चे स्कूल में आते हैं वो रास्ते में कैसे लोगों से मिलते हैं, क्या बात करते हैं, उनका स्कूल का जो बस का ड्राइवर होता है उसके साथ कैसा व्यवहार वो करते हैं, कनेक्टर उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, टीचर कैसा व्यवहार करते हैं, उसके सहपाठी कैसा व्यवहार करते हैं, वो घर जाके अपने माँ बाप से बताएंगे कि हमारे साथ ये व्यवहार हुआ, तो माँ बाप भी उनकी काउंसलिंग करेंगे और जो प्रदेश के हमारे काउंसलर हैं वो तो बच्चों को स्कूल में जा जा के परामर्श केंद्र के माध्यम से उनको जागरूक करेंगे।